हिंदू धर्म संपूर्ण पशु पक्षी और वृक्षों को मानव अस्तित्व की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण घटक मानता है। उनमें से भी कुछ वृक्ष पशु और पक्षी ऐसे हैं जिनके नहीं होने से मानव का अस्तित्व भी संकट में पड़ सकता है। इसके अलावा हिंदू धर्म के ऋषियों और मुनियों ने यह जाना कि कौन से पक्षी में क्या रहस्य छिपा हुआ है। मित्रों, इससे पहले अगर आप भी माँ लक्ष्मी और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को सच्चे दिल से मानते हैं तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में सच्ची श्रद्धा के साथ लिख दीजिए जय माँ लक्ष्मी हर हर महादेव। आओ जानते हैं ऐसे 10 दिव्य और पवित्र पक्षी जिनका हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व माना गया है और जिनका सम्मान और आदर करना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है। हंस। जब कोई व्यक्ति सिद्ध हो जाता है तो उसे कहते हैं कि इसने हंस पद प्राप्त कर लिया, और जब कोई समाधिस्थ हो जाता है तो कहते हैं कि वह परमहंस हो गया। परमहंस सबसे बड़ा पद माना गया है। पक्षियों में हंस एक ऐसा पक्षी है जहां देव आत्माएं आश्रय लेती हैं। यह उन आत्माओं का ठिकाना है जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं और जिन्होंने यम नियम का पालन किया है। कुछ काल तक हंस योनि में रहकर आत्मा अच्छे समय का इंतजार कर पुनः मनुष्य योनि में लौट आती है या फिर वह देवलोक चली जाती है। हंस पक्षी प्यार और पवित्रता का प्रतीक है। यह बहुत ही विवेकी पक्षी माना गया है। मनुष्य का जीवन क्रम ही हंस है क्योंकि उसमें ज्ञान का अर्जन संभव है। अतः हंस ज्ञान विवेक कला की देवी सरस्वती का वाहन है। यह पक्षी अपना ज्यादातर समय मानसरोवर में रहकर ही बिताते हैं या फिर किसी एकांत झील और समुद्र के किनारे। यह पक्षी दाम्पत्य जीवन के लिए आदर्श है। यह जीवन भर एक ही पार्टनर के साथ रहते हैं। यदि दोनों में से किसी भी एक पार्टनर की मौत हो जाए तो दूसरा अपना पूरा जीवन अकेले ही गुजार या गुजार देती है। हिंदू धर्म में हंस को मारना अर्थात पिता देवता और गुरु को मारने के समान है। ऐसे व्यक्ति को 3 जन्म तक नरक में रहना होता है। मोर। मोर को पक्षियों का राजा माना जाता है। यह शिव पुत्र कार्तिकेय का वाहन है। भगवान कृष्ण के मुकुट में लगा मोर का पंख इस पक्षी के महत्व को दर्शाता है। अनेक धार्मिक कथाओं में मोर को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। हिंदू धर्म में मोर को मारकर खाना महापाप समझा जाता है। कौ। कौए को अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रम स्थल माना जाता है। जिस दिन किसी कौए की मृत्यु हो जाती है उस दिन उसका कोई साथी भोजन नहीं करता है। श्राद्ध पक्ष में कौओं का बहुत महत्व माना गया है। इस पक्ष में कौओं को भोजना कराना अर्थात अपने पितरों को भोजन कराना माना गया है। उल्लू। उल्लू को लोग अच्छा नहीं मानते और उससे डरते हैं, लेकिन यह गलत धारणा है। उल्लू लक्ष्मी का वाहन है। उल्लू का अपमान करने से लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। हिंदू संस्कृति में माना जाता है कि उल्लू समृद्धि और धन लाता है। डरावने लुक के कारण कुछ लोग उल्लू से डरते भी हैं और कुछ लोग उन लोगों को मूर्ख कहते हैं जिनके उल्लू जैसे मुंह होते हैं, लेकिन यह धारणा गलत है। भारतवर्ष में प्रचलित लोक विश्वासों के अनुसार भी उल्लू का घर के ऊपर छत पर स्थित होना तथा शब्दोच्चारण निकट संबंधी की अथवा परिवार के सदस्य की मृत्यु का सूचक समझा जाता है। सचमुच उल्लू को भूत भविष्य और वर्तमान में घट रही घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है। लिंग पुराण में नारद मुनि को मानसरोवर वासी उलूक से संगीत शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपदेश दिया गया था। इस उलूक की हु 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 सांगीतिक स्वरों में निकलती है। वाल्मीकि रामायण में उल्लू को मूर्ख के स्थान पर अत्यंत चतुर कहा गया। रामचंद्र जी जब रावण को मारने में असफल होते हैं और जब विभीषण उनके पास जाते हैं तब सुग्रीव राम से कहते हैं कि उन्हें शत्रु की उलूक चतुराई से बचकर रहना चाहिए। ऋषियों ने गहरे अवलोकन तथा समझ के बाद ही उलूक को श्रीलक्ष्मी का वाहन बनाया था। गरुड़। पक्षियों में गरुड़ को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह समझदार और बुद्धिमान होने के साथ साथ तेज गति से उड़ने की क्षमता रखता है। गरुड़ के नाम पर एक पुराण भी है, गरुड़ पुराण।
गरुड़ के बारे में पुराणों में अनेक कथाएं मिलती हैं। रामायण में तो गरुड़ का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु की सवारी और भगवान राम को मेघनाथ के नागपाश से मुक्ति दिलाने वाले गरुड़ के बारे में कहा जाता है कि यह 100 वर्ष तक जीने की क्षमता रखता है। नीलकंठ, नीलकंठ को देखने मात्र से भाग्य का दरवाजा खुल जाता है। यह पवित्र पक्षी माना जाता है। दशहरा पर लोग इसका दर्शन करने के लिए बहुत ललायत रहते हैं। तोता, तोते का हरा रंग बुध ग्रह के साथ जोड़कर देखा जाता है, अतः घर में तोता पालने से बुध की कुदृष्टि का प्रभाव दूर होता है। घर में तोते का चित्र लगाने से बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में तोते की तस्वीर को लगाने से पढ़ाई में बच्चों की रुचि बढ़ती है, साथ ही उनकी स्मरण क्षमता में भी इजाफा होता है। इसके अलावा आपने बहुत से तोता पंडित देखे होंगे जो भविष्यवाणी करते हैं। तोते के बारे में बहुत सारी कथाएं पुराणों में मिलती हैं। इसके अलावा जातक कथाओं, पंचतंत्र की कथाओं में भी तोते को किसी न किसी कथा में शामिल किया गया है। कबूतर, इसे कपोत कहते हैं। यह शांति का प्रतीक माना गया है। भगवान शिव ने जब अमरनाथ में पार्वती को अजर अमर होने के वचन सुनाए थे तो कबूतरों के एक जोड़े ने यह वचन सुन लिए थे, तभी से वे अजर अमर हो गए। आज भी अमरनाथ की गुफा के पास ये कबूतर के जोड़े आपको दिखाई दे जाएंगे। कहते हैं कि सावन की पूर्णिमा को ये कबूतर गुफा में दिखाई पड़ते हैं, इसलिए कबूतर को महत्व दिया जाता है। बगुला, आपने कहावत सुनी होगी बगुला भगत, अर्थात ढोंगी साधु। धार्मिक ग्रंथों में बगुले से जुड़ी अनेक कथाओं का उल्लेख मिलता है। बगुला भगत पंचतंत्र की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, जिसके रचयिता आचार्य विष्णु शर्मा हैं। बगुला के नाम पर एक देवी का नाम भी है, जिसे बगुलामुखी कहते हैं। बगुला ध्यान भी होता है, अर्थात बगुले की तरह एकटक ध्यान लगाना। बगुले के संबंध में कहा जाता है कि ये जिस भी घर के पास के किसी वृक्ष आदि पर रहते हैं वहां शांति रहती है और किसी प्रकार की अकाल मृत्यु नहीं होती। गोरैया, गोरैया एक छोटी चिड़िया है। यह चिड़िया मनुष्य के बनाए हुए घरों के आसपास रहना पसंद करती है। भारतीय पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह चिड़िया जिस भी घर में या उसके आंगन में रहती है वहां सुख और शांति बनी रहती है। खुशियां उनके द्वार पर हमेशा खड़ी रहती है और वह घर दिनों दिन तरक्की करता रहता है। इसके अलावा भी हिंदू धर्म में ऐसे और भी पक्षी हैं जिनका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना गया है। पक्षियों को हिंदू धर्म में देवता और पितर माना गया है। कहते हैं जिस दिन आकाश से पक्षी लुप्त हो जाएंगे उस दिन धरती से मनुष्य भी लुप्त हो जाएगा। किसी भी पक्षी को मारना अपने पितरों को मारना माना गया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ हिंदू धर्म के ये 10 पवित्र पक्षी आपके जीवन में जो भी समस्या है वो समाप्त करे और आपका जीवन धन धान्य और खुशियों से भर जाए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी कृपा सदैव आप पर बनी रहे तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी और हर हर महादेव जरूर लिखिए। माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप पर बनी रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव। दोस्तों, ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही किसी भी वीडियो पर क्लिक कीजिए।